श्रीमती कृष्णा राज कपूर, स्वागत कक्ष से। यहाँ भी देखिए दादा साहब फाल्के जी की प्रतिमा लगाई गई है, जो हिंदी सिनेमा के जनक थे। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे किसी फिल्मकार ने भी इस प्रकार से ना सोचा होगा ना बनाया होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। नटराज की कितनी सुंदर प्रतिमा आप यहाँ ये देख रहे हैं। करार साहब की सोच सचमुच में कितनी बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। लोग किसी से घर खरीदने के बाद उनका नाम तक, उनके नेम प्लेट तक हटा देते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, श्रीमती कृष्णा राज कपूर रिसेप्शन हॉल है। इसके अंदर में पिक्चर गैलरी है, आपको हम लेके चलते हैं उस पिक्चर गैलरी में। राज कपूर और मराठी सिनेमा के ऊपर यहाँ आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। ये उनकी सोच है, पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये बिना किसी आर्किटेक्ट, बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के, बिना किसी इंजीनियर के ये सब कुछ डिज़ाइन हुआ है। उनका कहना है कि मुझे भी नहीं मालूम ये सब कैसे बना। और विश्व के कुछ ऐसे अनोखे अनुभव उनको हुए जो उन्होंने सोचा, उसको केवल एक पीस ऑफ पेपर, कागज़ के ऊपर उतारा और वो फिर बनना आरंभ हो गया। जो माननीय कराड़ जी की कल्पना है, नायक, ये नायिकाएं और ये पीछे पूरा दृश्य, ये तो मुझे नरगिस लग रही हैं, फिर भी हम पूछ लेंगे एक बार। और ये राज कपूर और नरगिस, बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही पहचाना, ये राज कपूर और नरगिस। आप देख सकते हैं उनकी फिल्मों के दृश्य को कैसे जीवंत किया है विश्वनाथ कराड़ जी ने। मैं राज कपूर की नीली आंखें भी आप देख सकते हैं। वाह, अद्भुत कार्य। ये भी राज कपूर की याद में बनाया गया है। चलिए एक बार अब अंदर चलते हैं। हम श्रीमती कृष्णा राज कपूर रिसेप्शन, MIT राज कपूर मेमोरियल के अंतर्गत ये बनाया गया है। समय की नृत्यांगना जो हमारी हीरोइन थी, ये पद्मिनी जी, वहीदा रहमान जी अपनी एक विशेष मुद्रा में, राज जी निर्देशक की भूमिका में यहाँ, और हमारी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी पाकिजा में जो हीरोइन थी, आप ये देख सकते हैं। ये हिंदी सिनेमा की नायिका थी निम्मी, आप उनको यहाँ देखिए खूबसूरत मुद्रा में, और डांसिंग क्वीन हेलन यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये पांचों हिंदी सिनेमा की बेहतरीन नृत्यांगना जिन्होंने अपने नृत्यों द्वारा भारतीय दर्शकों का मनोरंजन किया। ये जो सामने आप देख रहे हैं मराठी सिनेमा
को यहाँ दर्शाया गया है। मराठी सिनेमा के हमारे नायक नायिका, उनके बारे में आपको बताते हैं अभी। मराठी सिनेमा की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री सुलोचना जी, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे चंद्रकांत मंडेरे, मराठी सिनेमा के ही कलाकार। जयश्री गडकर बहुत अच्छी अभिनेत्री मराठी सिनेमा की, जिन्होंने रामायण में राम की माँ कौशल्या की भूमिका निभाई और उन्होंने उस भूमिका को अमर किया। इधर आप बालाजी परिंदकर, मराठी सिनेमा के कलाकार। राजा गोस्वी, ये आप इनको देख सकते हैं। और ये एक और मराठी सिनेमा के कलाकार, सूर्यकांत मंडेरे और अन्य मराठी अभिनेता अरुण शार्निक, डॉक्टर श्रीराम लागू। हिंदी सिनेमा में भी इन्होंने काफी अभिनय किया। और हमारे एक और राजा परांजपे, शरद तलवारकर, वर्सटाइल आर्टिस्ट थे, हाईली एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड एक्टर बोथ इन मराठी एंड थिएटर। 5 डिकेड तक इन्होंने एक्टिंग की और 180 से ज्यादा फिल्में और 45 मराठी नाटकों में भाग लिया। ये आप कुछ इनके प्रमुख फिल्में जो हैं उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। और नीलू फूले, आप सब जानते होंगे हिंदी फिल्मों में नीलू फूले ने काफी काम किया, पॉपुलर एक्टर थे, 250 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया, राष्ट्रीय सेवा दल बैकग्राउंड था इनका, और बहुत ही अभिनय में इन्होंने अपना लोहा मंगाया, विलेन के रूप में, करेक्टर आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काफी फिल्मों में काम किया। वसंत शिंदे, एक मराठी सिनेमा के एक और कलाकार, कॉमिक साइड करेक्टर में जाने जाते थे 50 से 80 के दशक में। 30 वर्षों तक इन्होंने अपनी अदायकी से दर्शकों का दिल जीत लिया और हास्य कलाकार थे। एक और हास्य कलाकार दादा कौंडके, हिंदी फिल्में भी बनाई इन्होंने, मराठी फिल्मों के तो बहुत ही पॉपुलर, 1960 से लेकर 1980 तक के दशक में आपने बहुत ही कमाल की फिल्में दी हैं। इन्होंने मराठी फिल्में के निर्माता भी रहे हैं दादा कौंडके। और विवेक जी, मराठी कलाकार एक्टर के रूप में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद ये देखिए मराठी फिल्मों की हीरोइन, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी बहुत सुंदर और बहुत जीवंत अभिनय किया, स्मिता पाटिल। ये उनकी कुछ फिल्मों के नाम यहां अंकित हैं, भूमिका गमन, इनकी बहुत ही रिनाउंड फिल्में रही हैं। स्मिता पाटिल भी यहां दर्शाई गई हैं।
श्यामो मोदक विष्णु की भूमिका में। श्यामो मोदक एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बहुत ही धार्मिक फिल्मों में अभिनय किया। ये आप इनको यहां देख सकते हैं, क्या जीवंत मूर्तियां बनाई हैं सभी कलाकारों की। एक पूरी ईरा को यहां दर्शाया गया है मराठी सिनेमे को। ये मराठी सिनेमे का जो भी योगदान है हम कभी नहीं भूल सकते। और विश्वनाथ कराड़ जी जिन्होंने इस सब के बारे में सोचा, उनको सच में हार्दिक नमन है। हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा की ओर से मैं निर्मल रतनलाल वैद इस प्रकार से आपको अद्भुत स्थानों पर लेके जाता हूं। और आप देखें, इसके बारे में मुझे लिखें ये आपको कैसा लगा। और ऐसे और भी अद्भुत स्थानों पर मैं आपको लेके जाऊंगा। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारती, जय महाराष्ट्र।